उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में बचपन बचाओ संस्था की शिकायत पर एलिट गर्ल्स पीजी हॉस्टल में दो नाबालिगों से काम कराने का मामला सामने आया है, जहां श्रम विभाग, पुलिस प्रशासन और चाइल्ड हेल्पलाइन संस्था के कर्मचारियों ने गर्ल्स पीजी हॉस्टल में छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान पीजी से दो नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान आवास विकास चौकी इंचार्ज नीमा बोहरा ने हॉस्टल की वार्डन और संचालक को फटकार भी लगाई। वहीं छापे के दौरान जांच में ना ही हॉस्टल का पंजीकरण पाया गया और ना ही किसी का पुलिस वेरिफिकेशन पाया गया, जिसके बाद अब श्रम विभाग हॉस्टल की वार्डन और संचालिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रहा है। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। एक बच्चा सब्जी काट रहा था और दूसरा बच्चा नहा रहा था। दोनों बच्चे नाबालिग हैं और नाबालिग बच्चों का काम कराना कानूनन अपराध है। अब उसमें बच्चों के खिलाफ इनके जो मालिक है, इनका भी जो पीजी है वो भी रजिस्टर्ड नहीं है और ना ही बच्चों के पेरेंट्स का सत्यापन किया गया है। इनके द्वारा हमारे जो है इसमें सर्वेक्षण प्रपत्र भरे गए हैं, इंस्पेक्शन नोट इसमें काटे गए हैं, साथ में इसमें जो है चाइल्ड लेबर जो है पकड़े गए हैं, इसमें इनके खिलाफ थाने में FIR होगी, क्योंकि ये संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है।